ब्यूटी पार्लर से रंग रोगन करा के आया हुआ है। खड़ा होकर ले, बात कर लेंगे आप। अच्छा, गोरा चिट्टा मुंह चढ़ा हुआ और काढ़ा सा मुस्कुराता हुआ, सुंदर कौन लगेगा? देखा, तो इसलिए किसी किसी को जिसको रंग नहीं मिला ना, मुस्कुराहट सीख लो। मुस्कुराने से अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारी दादियाँ नानियाँ होती थी ना, हमारी तो चली गई, आप में से किसी की रह रही होगी। दादियों नानियों की चमड़ियाँ भी यूँ लटक जाती हैं ऐसे सारे उम्र के साथ, फिर भी वो सुंदर लगती कि नहीं लगती, फिर भी उनको चिपटने का मन करता कि नहीं करता, प्यारी लगती कि नहीं लगती। तो देखो, चमड़ी खुशी नहीं देती, खुशी देता है व्यवहार, खुशी देता है प्यार, अंदर की चीज़ वो लुप्त होती जा रही है। आज हम खुशी जो है गलत जगह ढूंढ रहे। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया की चाबी खो गई, वो बाहर ऐसे ढूंढ रही थी मिट्टी के अंदर, तो एक बच्चे ने देखा कि भाई आधे घंटे से लगी हुई है, तो उसने पूछा, दादी जी क्या हो गया? बोले, चाबी खो गई बेटा। बोले, मैं भी ढूंढवाऊँ? बोले, आ जा। वो भी लगा रहा, आधे घंटे और किया, मिली नहीं, तो उसने पूछा, दादी जी खोई कहाँ थी? बोले, कमरे के अंदर खोई थी। बोले, खोई अंदर है, तू यहाँ क्यों ढूंढ रही है? बोले, यहाँ पर रोशनी थी, लैंप जल रहा है, स्ट्रीट लैंप घड़ी का, मैंने सोचा यहाँ ढूंढ लूँ। अब ये बताओ, अब हंसी तो उस बुढ़िया पे आई, अब वो बुढ़िया कोई और नहीं थी, आप ही थे। खुशी कहाँ खोई है? मन के अंदर होती है खुशी की बाहर? मन के अंदर होती कि बाहर? ढूंढते कहाँ हो फिर? वो बुढ़िया थम ही हो। आई बात समझ में? सारी दुनिया में कोठी बड़ी हो जाएगी, कार आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछले 20-25 साल में कितना सामान इकट्ठा कर लिया, कितनी कोठियां भर ली, सही में सामान बड़े बड़े हो गए, हर कमरे में टीवी लग गए, हर जेब। खुशी बढ़ रही है कि कम हो रही है? भाई भाई के नज़दीक जा रहा है कि दूर जा रहा है? दूर, दूरियां बढ़ गई। 25 साल पहले कोयल की आवाज किस किस ने सुनी है? सब ने, आजकल के बच्चे ने पूछ कर देखो, वो जो चल रही है, उन्हें पता ही नहीं कोयल की आवाज क्या होती है। कहीं उन्होंने चढ़ता सूरज नहीं देखा आज तक कि सूर्य सवेरे सवेरे कैसा लगता है। तो कोयल की आवाज 25 साल पहले मीठी थी, आज भी कहीं जाओ अगर कहीं मिल जाए, आज भी वही पंचम स्वर में ही बोलती है, वैसे ही मीठा बोलती है ना। लेकिन इंसान क्या वैसा ही है जैसा 25-30 साल पहले था? क्या बेटा बाप से वैसा ही बोलता है जैसे पहले बोलता था? क्या बहू सास से वैसी ही बोलती है? बोलती है? सारी बुढ़िया ने गर्दन लाई, बुढ़िया बोलती है? बहू के नाम पे एकदम गर्दन ला दी, ठीक है। तो इंसान की जो है भाषा बदल गई, प्यार बदल गया, इसलिए सारा संसार बदल गया। एक बार एक कुम्हार चाक पे बर्तन बनाने बैठा, तो उसकी चिलम बहुत बिक रही थी। अभी इस एरिया में, हमारे हरियाणा के एरिया में चिलम बिकती भी बहुत है, तो चिलम बहुत बिक रही थी। उसकी पत्नी बोल रही थी, मेरे लिए एक सुराही बना दो। काफ़ी दिन हो गए वो बात नहीं मान रहा था, क्योंकि चिलम की सेल अच्छी हो रही थी उसकी। एक दिन जब वो बैठा बनाने के लिए, तो उसके हाथ ऐसे चले कि वो सुराही बनने लग गई। तो मिट्टी ने कुम्हार से बात की कि रे कुम्हार, आज क्या होया? बैठा तो चिलम बनाने था, पर ये क्या बना रहा है? तो कुम्हार ने बोला, मिट्टी आज मेरा विचार बदल गया। क्या बोला? मेरा मिट्टी ने बड़ी सुंदर बात कही, तेरा तो एक विचार बदल गया, मेरा तो सारा संसार बदल गया। कैसे बदला? आज तक तू मेरे से चिलम बनाता था,
मैं खुद भी फूकती थी और दूसरे के दिल भी फूकती थी। आज के बाद खुद भी ठंडी रहूंगी, दूसरों को भी ठंडा रहूंगी। बात कैसी लगी? वैसे ठंडे क्यों नहीं रहते? बातें अच्छी लगती। इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, कितनी भी अच्छी बातें, अच्छी बातें अच्छी तो लगती है पर एक घड़ी के लिए अच्छी लगती हैं, पर उसको व्यवहार में लाने की ताकत नहीं रही हमारे, प्यार से बोलने की ताकत नहीं रही, माफ़ी मांगने की ताकत नहीं रही, माफ़ करने की ताकत नहीं रही, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। आप देख लो, छोटी बातें हैं, महाभारत रामायण बड़ी बातों से नहीं हुई, छोटी सी बात से हुई, और उसमें भी सबसे बड़ा हाथ इस जुबान का होता है। आज भी जितने झगड़े हमारे हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? इस जुबान का है। गूंगे ज़्यादा लड़ते देखे कभी? कोई बचपन से गूंगा होगा उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती, थोड़ा बहुत संस्कार से लड़ भी लेगा, पर जिसके जुबान है ना ये बिना हड्डी की, ये है खुद बिना हड्डी की, जब चलती है अच्छे अच्छे की हड्डी तोड़ा दे। रामायण में मंथरा की थोड़ी सी चली थी, अब देखिए कितना बड़ा रामायण बन गया। और महाभारत में द्रौपदी की चली थी थोड़ी सी चली थी, अंधे की औलाद अंधी। आज भी ऐसा ही होता है, जब कहानी शुरू होती है ना वो थोड़ी सी बात से शुरू होती है, फिर उस बात का बतंगड़ और फिर बाद में बनता है। जहाँ भी हमारे संबंध खराब हुए, पैदा होते थोड़ी खराब थे, किसी दिन चाहे गलती मेरी तरफ से रही चाहे सामने वाले की तरफ से रही, किसी दिन थोड़ा थोड़ा करके हमने बातों में जहर घोला, चाहे खुद चाहे किसी की बातों में आके, वो घुलते घुलते जहर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बारूद बन गया और एक दिन संबंध टूट गए। इतनी बड़ी 800 करोड़ की दुनिया में इंसान अकेला हो गया, चीजें इकट्ठी करता फिर रहा है, भाई दोनों भाई के पास कोठी भी है कार भी है सब कुछ है, पर खुशी न उसके पास है न इसके पास है। ज्यादातर लोग इस दुनिया से संतुष्ट जाते या असंतुष्ट जाते, देखो जरा विचार करो, असंतुष्ट जाते हैं 99.9% लोग, 100 में से 99 से ज्यादा लोग इस दुनिया से असंतुष्ट जाते हैं। पढ़े लिखे भी, जो हम एक दूसरे को पढ़े लिखे बोल रहे हैं ना, डिग्रियों की लिस्ट लगा रखी है, असंतुष्ट जा रहे हैं। कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, संतुष्टता नहीं है, मन टिक नहीं रहा है। 50 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, पूरा शहर खरीद लिया और उनकी प्रॉपर्टी की गिनती नहीं, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं। वो आराम से बैठकर दो घड़ी ऐसे मुस्कुरा नहीं सकते। मुस्कुरा सकते हैं? नहीं मुस्कुरा सकते। फोटो खिंचवा के मुस्कुरा सकते, फिल्मों में आके मुस्कुरा सकते हैं, दुनिया में मान सम्मान पाके मुस्कुरा सकते हैं, एकांत में बैठ के दिल से मुस्कुरा सकते हैं। तो ये खुशी कौन सी है, सच्ची या झूठी? हाँ जी सच्ची। कौन सी वाली? हाँ ये वाली सच्ची है ना, उनकी खुशी कौन सी है? अब आप देखेंगे अपनी जिंदगी में, सीधे होके बैठो, थोड़ा सा सुनेंगे 10-15 मिनट बातें, है ना? हाँ थोड़ा सा टाइम निकाल लो, अच्छी बातें सुनाएंगे, क्योंकि मेरी गारंटी नहीं है कब मर जाऊं मैं। पता नहीं मेरे वाले तरीके में। हाँ जी हाँ जी, इनकी गारंटी से कब मर जाएगी, ये अपनी जाना, मैं क्यों सोचूं इनकी, अपनी अपने आप सोचनी है ना। मेरी गारंटी नहीं, पता नहीं कल ये बात मैं सुना पाऊँ या ना सुना पाऊँ, है ना? सच्चाई कि नहीं? सच्चाई है। ये बात याद रहेगी ना, हर रोज अच्छे कर्म करोगे, क्योंकि आज ही की अंतिम दिन है हमारे हाथ में, जो ये पल है बस। पता नहीं बाहर जाते जाते गेट पर कोई फिसला और ओम शांति। चलो चेक करेंगे क्या कमाया है मैंने जिंदगी में। ये अभ्यास है, किसी की 60 साल होगी, किसी 50, कोई 40, 20-25 वाले भी बैठे हैं, क्या कमाया है मैंने जिंदगी में। भगवान के पास जाएंगे सारे, जाएंगे सभी, दिखाना पड़ेगा रजिस्टर, तो दिखाना पड़ेगा, वहाँ का रजिस्टर अपने आप दिखाई देता है, जब धर्मराज की सभा लगती है ना, पूरा रजिस्टर दिखाई देगा। मैं क्या रजिस्टर दिखाऊंगा वहाँ पर, एक रजिस्टर वो दिखाएगा, एक रजिस्टर आपका।
वो दिखाएगा जो हम भूले बैठे हैं। जितनी गलतियां कर करके भूल गए ना, वो सारी लिख लो, सब दिखाएगा, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। बोले तू अपना दिखा, फिर वो हिसाब किताब करेगा, हिसाब किताब में उसके हिसाब से फिर अगला जन्म देगा। आज भी ऐसा ही होता है, मेरे पास जो खुशी है, सुख है, गम है, सब मेरे कर्मों का है। किसी और के कर्मों का भोग रहे क्या? अपने कर्मों का है। चलो एक मिनट अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर की तरफ चलेंगे, आंखें बंद कर ले, टिक जाए थोड़ी देर। बहुत भाग रहा है मन, बहुत भाग रहा है, और ये भाग दौड़ ही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। थोड़ी सी देर टिक जाओ, टिका लो इस दिमाग को, टिका लो इस दिल को, देखिएगा अपने आप ज्ञान की धारा शुरू हो जाएगी। विचार करो लोगों की देखा देखी, जाने अनजाने में जो कुछ भी सीखा, बहुत मेहनत भी करी जिंदगी में, क्या कमाया है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।